कुछ सीरियस रीजंस जैसा कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनमें ओरल अल्सर्स मुंह में बन सकते हैं, अंडरलाइंग विटामिंस की डेफिशिएंसीज कैन बी द रीजन ऑफ ओरल एफ्थस अल्सर्स, जैसा कि विटामिन बी एंड आयरन डेफिशिएंसी एंड फॉलेट डेफिशिएंसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फहमीना इशफाक और जिन्ना हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन काम कर रही हूं। ओरल अल्सर्स या मुंह के छाले, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इसकी माइनर रीजंस भी हो सकती हैं और अंडरलाइंग मेजर रीजंस भी इसकी वजह हो सकती हैं। माइनर रीजंस जैसा कि खाना खाते हुए बाइट हो जाए, इसके अलावा खाना गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म इस्तेमाल किया जाए, या टूथब्रश के दौरान इंजरी, ये नॉर्मल सी रीजंस हैं जिनमें अल्सर्स जो हैं यूजुअली विद इन 7 to 8 days या विद इन 2 weeks हील कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में मुंह के छाले या ओरल अल्सर्स स्ट्रेस और एनजाइटी के साथ भी एसोसिएटेड हैं। कुछ सीरियस रीजंस जैसा कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनमें ओरल अल्सर्स मुंह में बन सकते हैं। ओरल अल्सर्स की एक किस्म जिसे एफ्थस अल्सर्स भी बोला जाता है, इसमें अल्सर्स रिकर करते हैं, बार बार मुंह के अंदर बनते हैं और यूजुअली 2 weeks में हील कर जाते हैं। एग्जैक्ट रीज़न तो इसकी नहीं मालूम, लेकिन ये समझा जाता है कि कुछ अंडरलाइंग विटामिंस की डेफिशिएंसीज कैन बी द रीज़न ऑफ ओरल एफ्थस अल्सर्स, जैसा कि विटामिन बी एंड आयरन डेफिशिएंसी एंड फॉलेट डेफिशिएंसी। ऐसे केसेस में अगर तो अल्सर्स हील कर जाएं देन वेल एंड गुड, बट इफ़ अल्सर्स आर गेटिंग प्रोलॉन्ग लाइक मोर देन 2 weeks, देन बेटर टू कंसल्ट टू द डॉक्टर ताकि उसकी प्रॉपर रीज़न को सॉर्ट आउट करके उसको ट्रीट किया जाए। होम रेमेडीज़ की अगर बात की जाए तो अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसमें रिलीफ लिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंह को मुकम्मल तौर पर साफ रखा जाए, माउथ वॉश इस्तेमाल किए जाएं, वार्म सॉल्टेड वाटर से 3 to 4 times पर डे रिंस करने से भी अल्सर हीलिंग रिलीव होती है, माइनर इंजरीज को अवॉइड किया जाए, खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाया जाए ताकि इंजरी होने का ख़तरा ना रहे, टूथब्रशेस को रेगुलर बेसिस पर चेंज किया जाए। इसके अलावा कोकोनट मिल्क एंड ऑरेंज जूस हैविंग विटामिन सी, दीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर अर्ली हीलिंग ऑफ ओरल अल्सर्स।